चुनाव से पहले टूट रही है कांग्रेस। 24 घंटे में तीन बड़े चेहरों ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। क्या बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में लगाई सेंध? क्या पार्टी में रह जाएंगे सिर्फ गांधी परिवार के नेता? लोकसभा चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और विपक्षी पार्टी कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। 24 घंटे के अंदर पार्टी ने तीन चेहरे गंवा दिए। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा दी है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज सुबह पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी अचानक कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल थाम लिया। फिर खबर आई कि संजय निरुपम भी अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहे। जैसे ही कोई चुनाव शुरू होता है उसी वक्त से नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना शुरू हो जाता है। क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या कर्नाटक, सभी राज्यों से कांग्रेस के कई बड़े नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने की अटकलें लग रही हैं। सनातन को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता गाली देते हैं और आप चुप रहते हो, तो ये मौन स्वीकृति नहीं है तो क्या है? इफ दिस इज नॉट साइलेंट अप्रूवल देन व्हाट इज दिस? The second point which I had highlighted in that letter, कि कोई व्यक्ति पूंजी लगाकर, कोई व्यक्ति मेहनत करकर अगर वेल्थ क्रिएट करता है तो सुबह से शाम वी कांट अब्यूज वेल्थ। राम मंदिर का न्योता मिला और न्योता मिलने के बाद आप वापिस लिखते हो कि हम नहीं जाएंगे, what is this? अरे 2 महीने से ज्यादा हो गए प्राण प्रतिष्ठा को। आपने पहले कहा कि साहब हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो इवेंट है। अरे 2 महीने में तो इवेंट कोई नहीं था, क्यों नहीं जाते आप? क्यों इतना एक 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 मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और मिसलीडिंग एविडेंसेस देते हो? तो ये सारी चीजों से मैं शुभ्ध था। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं, आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं, और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। इस क्षण का बहुत दिनों से आपको भी इंतजार था और मुझे भी इंतजार था। कैसी विडंबना है कि एक वक्त ऐसा था कि कांग्रेस की तूती बोलती थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं को तो छोड़िए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रुतबा और रुबाब अलग ही था। देश का ऐसा कोई शहर, गांव और कस्बा नहीं जहां कांग्रेस ने अपने वक्त में झंडे ना लहराए हों। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी में भागम भाग मची है? हर दूसरे दिन पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी जो हलचल है वो हाल फिलहाल से नहीं है, बल्कि ये अंतरकला काफी सालों से है, जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक रोकने में नाकामयाब रहे। देश की सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार कांग्रेस के अस्तित्व पर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। पिछले 9 साल के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ये आंकड़ा काफी बड़ा है। जब पार्टी से कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि दिग्गजों ने मुंह मोड़ लिया, जबकि इन नेताओं ने कांग्रेस के भीतर एक पीढ़ी को राजनीति के गुण सिखाए और भविष्य के लिए तैयार किया। यही वे नेता रहे जिनसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजनीति की ABCD सीख कर पॉलिटिकल पिच पर आज धुआंधार बैटिंग करते हैं। इन नेताओं ने इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ काम किया, पार्टी की जड़ें मजबूत की और कांग्रेस की सरकार में अहम जिम्मेदारियां भी निभाई। लेकिन पिछले 9 सालों में देश भर में एक एक कर 50 से ज्यादा कांग्रेस के बड़े नेता और चेहरों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस का साथ छोड़ चुके बड़े नामों में दिग्गज नेता अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, हार्दिक पटेल, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, RPN सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और अनिल एंटनी शामिल हैं। ये नाम जो हमने आपको गिनाए हैं ये बड़े चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस को बाय बाय कहने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी है।
जिसे गिनवाते गिनवाते दिन बीत जाएगा और कानों पर हाथ रख लेंगे। इतना ही नहीं, जब इन चेहरों ने कांग्रेस छोड़ी तो कई बड़े आरोप भी पार्टी पर लगाए। ये आरोप इतने गंभीर हैं कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल जड़ से खत्म करने के लिए काफी हैं। जिसकी सफाई कई बार सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे देते दिखाई देते हैं। आरोपों की बात करें तो पार्टी छोड़ चुके नेताओं का ये कहना है कि पार्टी में नए आइडिया की कद्र नहीं होती। कांग्रेस हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाती है। कई नेता सनातन का अपमान करते हैं। सनातन का अपमान करने वालों पर कोई एक्शन नहीं। ग्राउंड लेवल पर किसी से कनेक्ट नहीं होती पार्टी। पार्टी में गांधी परिवार की ही चलती है, विचारधारा के आधार पर कंफ्यूज। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं और नेताओं की आंखों में सपने भरने वाले नेतृत्व की कमी के चलते हर रोज कोई ना कोई कांग्रेस से रुखसत हो रहा है। इस तरह पार्टी को छोड़ना पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। हालांकि अब तक पार्टी छोड़ चुके नेताओं ने नई बात नहीं बताई है। कांग्रेस से जाने वाले कई सालों से वही बात दोहरा रहे हैं, पर कोई एक्शन नहीं होता। अब तो लोग यही कहने लगे हैं कि इस तरह तो कांग्रेस में केवल गांधी परिवार ही बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत।